नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पहले बातें कर चुके हैं मोशन की, और एग्जैक्टली पूरी बातें जो कर रहे हैं वो मोशन की बातें कर रहे हैं, और मोशन में अपन बातें कर चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन, कहां पे काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी हमने, और फिर हमने थोड़ी कर्वी लीनियर मोशन की भी बातें स्टार्ट की थी। प्रोजेक्टाइल जो है वो कर्व पाथ पे 2D में बातें कर रहे थे। फिर हम मोशन को पढ़ते 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 थोड़े से रुके कि भैया ये मोशन होते क्यों से है, क्यों होती है, कौन से फोर्सेस, क्या एक्सेलरेशन, क्या सब ये कार्यक्रम होता है, यानी कि कॉज ऑफ द मोशन के बारे में बातें की। तो हमें याद आया कि फोर्स के बारे में बातें कर लेनी चाहिए, और फोर्स की खूब सारी बातें हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और उसके बाद में फ्रिक्शन पे पढ़ी, और फिर किस तरह से जो है वर्क करता है कोई कोई फोर्स वर्क कैसे करता है, कि क्या उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, क्या उसके वर्क करने की रेट होती है, यानी हमने फोर्स के द्वारा किए गए कार्य उसके लिए ऊर्जा और शक्ति वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये बातें अपने वर्क पावर एनर्जी में की। मतलब फोर्स के बारे में पूरी PhD हमने कर दी है, न्यूटन साहब के तीनों लॉज, और खूब सारे नए नए फोर्सेस के बारे में हमने जानकारी ली, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये नए नए फोर्स हमारी जिंदगी में आए हमने सीखा। अब हम दोबारा चलते हैं मोशन के बारे में, क्योंकि हमें मैकेनिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की मोशन को ही पढ़ना है। खूब पहले हमने बातें की थी कि हमें मोशन जो पढ़नी है वो है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। वहां जाके अपना खेला खत्म हो जाएगा मोशन की स्टडी का। बीच में कुछ कुछ खास खास किस्म की मोशन आएगी, उनको अलग से चैप्टर बना के पढ़ेंगे। जैसे अगर पार्टिकल किसी एक फिक्स्ड बिंदु के अराउंड घूम रहा हो, यानी एक ऐसे पाथ में घूम रहा हो जो सर्कुलर हो, कैसा पाथ हो, सर्कल के अराउंड घूम रहा हो, तो वो वाली मोशन को प्यार से क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। फिर आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, है टू एंड फ्रो टाइप की मोशन होगी, तो अपने आप में एक चैप्टर बन जाएगा। तो हम एक नया चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। कैसे पाथ में मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, उसके मोशन की स्टडी अपन अलग से करेंगे भाई साहब, क्योंकि आम जिंदगी में बहुत योगदान होता है हमारे सर्कुलर मोशन। अपन झूला भी झूलते हैं, रन रन रन, पेंडुलम टिक टिक टिक, कर्व्ड सरफेस होती है, शार्प टर्न लेती है, गाड़ियां लेती है, नहीं लेती यार, सर्कुलर जो है मतलब जो बहुत जगह हमारे लिए सर्कुलर मोशन काम आती है आम जिंदगी में, तो इसको बहुत इज्जत दिया गया, अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, खूब सारी बातें अपन करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। अच्छा, हेडिंग डाल दीजिए आप सर्कुलर मोशन, और एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, एक वृत्त के अलोंग होने वाली गति को प्यार से वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर कोई भाई साहब सर्कल नहीं जानता हो, तो हम उनको बता दें कि ये एक बिंदु से ये लोकस होता है। किसका लोकस, मतलब बिंदु पथ, जहां जहां बिंदु जाता है, एक बिंदु है जो कहां जा रही है, वो एक पाथ पे जा रही है, और इस पाथ की खासियत ये है, यानी बिंदु पथ है, ये क्या है, बिंदु पथ है, एक पॉइंट का जो कि जिसकी खासियत क्या है, वो एक फिक्स बिंदु से एक फिक्स दूरी पे रहता है हमेशा, है ना, और ये पॉइंट फिक्स रहेगा, और वो फिक्स वाली जो दूरी होती है उसको प्यार से अपन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये हमारे लिए सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, और ये जो लोकस हमारे पास आया है यानी बिंदु पथ हिंदी में उसको बिंदु पथ बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। तो सर्कल क्या है, सर्कल इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बहुत हल्का मतलब पांचवी छठवीं लेवल की बात हमने आपको बता दी। तो आपको ये बताएगी भाई, अच्छा अगर ऐसे पाथ के अंदर कोई चल रहा हो, मोशन हो रही हो, तो वो कैसी मोशन होगी, वो सर्कुलर मोशन होगी, और हमारी आम जिंदगी में इसका बहुत योगदान होता है। इस तरह की मोशन खूब सारी हमारे आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। अरे यार, तूने एक बॉल को पकड़ लिया, उसमें धागा लपेटे, उसको ऐसे घुमा रहा है, तूने यहां पे फिक्स रखा है, तो बॉल ऐसे ऐसे कैसे घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अरे घूमती बहुत सारी जिंदगी में हमारे पास, अब देखिए सन यहां पे है, प्लैनेट उसके अपन ऐसे घूम रहे हैं, यहां पे न्यूक्लियस हो गया है, इलेक्ट्रॉन लोग सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं ना,
तो आम जिंदगी में बहुत बहुत उपयोग है, इसलिए अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, किसी भी स्टडी करते हैं, किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। अरे भैया, जैसे आपको किसी कॉलेज में एंट्री देनी है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना कि भाई फलाना एग्जाम लेंगे उसमें इतने नंबर आना चाहिए, ये रैंकिंग है, मतलब पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा, तो आपको इस मोशन की स्टडी करने के लिए पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी की थी आपने पहले काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी की थी तो आपको कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी थी। आपने पहले डिफाइन किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसे पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए होंगे, उन्हीं की टर्म में आपने मोशन को डिस्क्राइब किया होगा। अच्छा, तो यहां पे बॉडी क्या कर रही है, मैंने कहा एक सर्कुलर पाथ में यहां पे घूम रही है तो यहां पे भी पैरामीटर्स होंगे। मैंने कहा हां होंगे। वहां पे पैरामीटर्स क्या हुआ करते थे आपके पास, स्पीड हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, वेलोसिटी हुआ करता था, एक्सेलरेशन हुआ करता था, कि नहीं हुआ करता था भाई साहब। ये थे आपके बेसिकली लीनियर पैरामीटर्स या लीनियर वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ये कैसे थे, लीनियर वेरिएबल्स थे, ये थे आपके लीनियर वेरिएबल्स। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, तो यहां पे कौन से होंगे, मैंने कहा यहां पे इनका भाई लोग होंगे, ये घूमने की थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। यहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट था तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे आप यहां से स्टार्ट हुए घूम के यहां पे आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, जीरो। लेकिन एक चीज होगी जो जीरो नहीं है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पे एंगुलर वेरिएबल्स की बात करेंगे। कौन से वेरिएबल्स की, एंगुलर वेरिएबल्स की। जैसे आपने वहां पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो यहां पढ़ेंगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे वहां आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, यहां पे आप पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी तो यहां पे एक अलग टाइप की एक्सेलरेशन आपकी जिंदगी में आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो थे आपके लीनियर वेरिएबल्स, तो यहां पे बातें होगी आपके लिए एंगुलर वेरिएबल्स की। कौन से वालों की, एंगुलर वेरिएबल्स की। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, ये पहले पढ़ना जरूरी है, क्यों, हम जानते हैं कि किसी भी मोशन की स्टडी करने के लिए पैरामीटर्स की जरूरत होती है। अब अगर ये पैरामीटर्स सीखेंगे तभी ना सर्कुलर मोशन सीख पाएंगे। तो बगैर विलंब किए तुरंत स्टार्ट करते हैं भाई साहब पैरामीटर्स के बारे में जानना। हेडिंग आप डाल दीजिए एंगुलर पैरामीटर, जस्ट स्टार्टिंग है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, भाई साहब, जस्ट मतलब जो है बिल्कुल अपन बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर ज्यादा आपके लिए फील वाला ही होगा, छोटी छोटी बातें करेंगे अपन, छोटी छोटी बातें, चल के यहाँ पे आ गया, अरे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर क्या है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है, हाँ पता है किधर डायरेक्शन होती है, क्या होता है, छोटी छोटी बातें अपन करने वाले, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेडिंग आप डाल दीजिए एंगुलर वेरिएबल्स, क्या चीज, एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, हो पहला जो एंगुलर वेरिएबल है हमारे लिए, इसका नाम है, जैसे वहां पे अपन बातें करते थे डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पे बातें करेंगे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, कैसे लिखते हैं, मैंने कहा भैया थीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास जो आपका रामू है, मान लो कि एक आइटम है हमारे पास राम, वो यहां से चलता है डर, वो अपने सर्कुलर खेत का चक्कर लगा के वापस उसी जगह पे आ गया। आपसे कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, यानी कि ये भैया यहां से डर घूम के यहां पे आ गए, आपसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो क्या जवाब दीजिएगा, कि जीरो हो गया है। लेकिन कोई अगर आपको बोले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो आपका जीरो नहीं होगा भाई साहब, क्यों, क्योंकि आप तो घूम के आए। जैसे मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पी से आप पॉइंट क्यू तक आ रहे हैं, मान ले यहां तक आ गए ऐसे चलते चलते, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, क्या, थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनका अच्छा, बहुत बढ़िया, अगर P और Q के बीच की ये वाली आर्क लेंथ है, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ मान लीजिए क्या है, L है, और रेडियस मान लीजिए R है, रेडियस क्या है,
आर है, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आर थीटा इज इक्वल टू एल है, तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब एल बाई आर आ गया, मतलब मेरे लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आर की लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस आ गया। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां से वापस पी पे आ गए, बताइएगा भैया कि आपके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप बोलेंगे साहब ऐसे बता देते हैं 2π होगा, बाकी l की वैल्यू 2π r डिवाइडेड बाय r करेंगे तो 2π हो गया। मैंने कहा अच्छा आपने एक बार यहां से घूमे यहां पे आ गए तो क्या हुआ 2π। मैंने कहा अच्छा अगर मैं यहां से स्टार्ट किया घूम के यहां पे आ गया 2π, फिर मैं वापस गया इसी रास्ते से एक और बार घूम के आया यहां पे, अब बताइए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तो बोलेगा 0 पे, उसी जगह पे घूम के आ गए। अब दो बार यहां से घूम गया फिर एक बार यहां घूम गया, अब बताइए टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या अभी भी 2π होना चाहिए, क्या अब 0 हो जाना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। अच्छा उससे ज्यादा आसान भाषा में पूछू तो क्या ये 2π जो है या फिर जो आपका थीटा एल बाई आर आ रहा है ये तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, क्या इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बोलू 2π अब क्या होगा 2π, एक ऐसा घुमा उल्टा गया वापस आ गया यहां पे, अब बताइए 2π वापस गया ऐसे वापस लौट के आ गया, अब बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है 2π हुआ है कि 4π हो गया है कि 0 हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें 2π -2π, अब टोटल 0 हुआ है, काहे हुआ है भैया, क्योंकि ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तू तुरंत पूछ लेगा कि वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन किधर है, जैसे ये 2θ है आप ऐसे जा रहे हो तो किधर डायरेक्शन है यार, ये ऐसे जा रहा है टिक, वैसे तो वेक्टर में डायरेक्शन फिक्स होती थी, इसकी डायरेक्शन किधर है। अगर आप पी से क्यू पे गए हैं, पी से क्यू इस रास्ते से गए हैं, तो फिर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, इसकी डायरेक्शन कहां है। मैंने कहा अभी तक आपने अगर आपने वैसे तो आपने एक्सियल वेक्टर पढ़ा होगा, आपने वेक्टर्स में एक एक्सियल वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन इसके अलोंग नहीं होती, उनकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं राइट हैंड से। अच्छा ओहो मतलब मास्टर ये बोलना चाह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, कैसा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर है जिसका भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या आ गया है आपके लिए मैग्नीट्यूड हो गया है मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एल बाई आर। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैंने कहा भैया डायरेक्शन यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड का सदुपयोग करना पड़ेगा, राइट हैंड का क्या करना पड़ेगा सदुपयोग यानी कि सही उपयोग आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सही उपयोग, मैंने कहा भैया राइट हैंड में पहले तो पेन को लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, राइट हैंड को खुला कर दीजिए, अच्छा देन कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ एनी एक्सियल वेक्टर। एक मिनट मास्टर ने क्या बोला इसको लिखने का, इसको पॉज मार के लिखने का, क्या लिखने का कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज फाइंड बाई राइट हैंड, फाइंड बाई राइट हैंड, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे भैया, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा अच्छा इस पर्टिकुलर केस में, मैंने कहा इस पर्टिकुलर केस में थीटा का मैग्नीट्यूड एल बाई आर आ रहा है, डायरेक्शन आपके लिए आउटवर्ड टू द बोर्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है बोर्ड से बाहर की तरफ, इस पर्टिकुलर केस में बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड मेरा 2D है, बोर्ड क्या है 2D है, तो मुझे आगे 3D की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पे
दो सिंबल लिख रहा हूं। एक क्वांटिटी है जिसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, एक क्वांटिटी है जिसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं। इसका मतलब है इनवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनवर्ड। क्या है? इनवर्ड, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटवर्ड। इसका मतलब क्या है? आउटवर्ड। ऐसा अपन सिंबल, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। इसका मतलब यहां पे डॉट लगा हुआ गोला किया, इसका मतलब कोई क्वांटिटी बाहर की तरफ है। और क्रॉस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? वो अंदर की तरफ है। जैसे अगर मुझे पूछा जाए कि पी से क्यू तक का, P से Q तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो मैं बोलूंगा भैया लेंथ आपकी L है, रेडियस आपका R है, ये मैग्नीट्यूड हो गया है। और डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी इतना बाहर की तरफ। कैसे मेजर करेंगे भैया? कैसे मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? ऐसा ही यूनिट क्या है? रेडियन में। तो एंगल है भैया, तो कैसे मेजर करिएगा? रेडियन में इसको मेजर किया जाएगा। ओ, तो आप समझ गए कि ये जो बेसिक पैरामीटर पहला वाला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए एक्सियल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस एंड हुज डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड। Curl the fingers of right hand in the direction of theta, then the direction of thumb will tell you the direction of axial vector, यानी कि angular displacement। अच्छा, बात बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देख रहे, 2π 4π 6π है कि नहीं यार? एड हो जाएगा डर डर, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो हमेशा ऊपर आ रहा है 2π 2π 2π। ऐसे घुमा मैं 2π, उल्टा घुमा तो क्या हो जाएगा? नीचे। पिछली बार 2π अगर ऊपर था तो इस बार 2π नीचे होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट हो गया पूछे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, हम बोलेंगे लाला पहले वाला अगर ऊपर 2π था, नीचे वाला सेकंड वाले केस में नीचे की तरफ 2π था और निपट के जीरो आ गया है कि नहीं भैया? तो आप समझ गए कि एक एक्सियल वेक्टर होता है। उम्मीद है कि आपको फिर कभी डाउट नहीं आएगा कि थीटा क्या है भाई साहब। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर होता है। मैंने कहा होता है भाई, एक्सियल वेक्टर होता है। परेशान होने की कभी जरूरत नहीं, हालांकि तेरे को पहले पता होना चाहिए एक्सियल वेक्टर क्या होता है। नहीं पता हो तो भी ये अब सीख ले भैया, जब जागो तभी सवेरा है कि नहीं यार? अच्छा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड की स्टैंडर्ड सिंबल है। इसमें कोई अपन ने नया डिस्कवरी नहीं की है। आगे आप जो है करंट, ये वो मैग्नेटिज्म बहुत खूब काम आने वाले हैं। कोई क्वांटिटी अगर अंदर की तरफ जा रही है तो उसको क्रॉस से मेजर कर रहे हैं, यानी कि मैं बोलूंगी ऐसा कोई क्वांटिटी अंदर है तो उसको मैं क्रॉस से मेजर करूंगा, बाहर की मतलब रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो 2D में है भैया, और हमको बहुत सारी बातें 3D में करनी होती तो कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं। ये जो है वो स्टैंडर्ड सिंबल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक पहला पैरामीटर हमको समझ में आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन हो गया। डायरेक्शन कहां लगाएंगे? राइट हैंड से। कैसे पता करेंगे? कर्ल दी फिंगर्स बोल दिया है 20 बार, लिख लिया होगा आपने यार। कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन दी डायरेक्शन ऑफ थीटा, then the direction of thumb will give you the direction of angular displacement। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। मेजर किसमें करते हैं? मैंने कहा रेडियन में मेजर करते हैं। और डायरेक्शन इतना आता है, मैग्नीट्यूड इतना आता है। मैंने कहा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं भैया। पहला पैरामीटर जो एंगुलर वेरिएबल जो भी हमने पढ़ा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से इसको लिखा जाता है, एक्सियल वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है भैया। कल को वो कोई बोल दे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2π/2π/2 रेडियन है ना, तो बाद में पूछने का कि भैया डायरेक्शन भी बताइएगा, है कि नहीं यार? अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। और इसका एक छोटा सा एक और रूप देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या? एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या चीज है भैया? ये क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी।
जाओ साफ, मिट जाओ, बिल्कुल हो चेक। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखा जाता है, इनका नाम है ओमेगा, इनका नाम क्या है भैया? ओमेगा से इनको लिखा जाता है। मैंने कहा अच्छा, अगर कोई आइटम पी से क्यू में गया है, पी से चल के क्यू में गया है इस पाथ के अलोंग, और ये पाथ एक सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है, इसलिए जो मोशन कर रहा है वो कैसी है? सर्कुलर मोशन है। और इसको अच्छे से समझने के लिए अपन जो सेकेंड टाइप का पैरामीटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये एंगुलर वेरिएबल है, सेकेंड वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको लिखते हैं। मैंने कहा क्या है ओमेगा भैया? जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए वहां पे वेलोसिटी हुआ करती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद हो तो, है कि नहीं यार? है ना? ठीक वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज बेसिकली डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब आप ध्यान से बताइए क्या थीटा आपका वेक्टर क्वांटिटी? मैंने कहा तुरंत बोलेगा एक्सियल वेक्टर है, बताइए कि क्या ओमेगा एक्सियल वेक्टर है कि नहीं है? तुरंत बोलेगा भैया ओमेगा क्या है? मतलब वेक्टर है। अच्छा, टाइम तो आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो हमको तो लगता है जो थीटा की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। मैंने कहा ये भी कैसा है? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन किधर होगी? मैंने कहा भैया डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा की डायरेक्शन में होगी भैया डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, सॉरी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डी थीटा की डायरेक्शन में अगर आप ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, अगर एवरेज की बात, ये आपकी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या एवरेज भी होती है? मैंने कहा हाँ भाई, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इनफैक्ट आपका जो ओमेगा है वो बेसिकली क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है। ये आपके लिए डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी हो जाता है। और ये क्या लिखा हुआ है? ये एवरेज यानी ओमेगा एवरेज उसको लिख दीजिए, या फिर आप ओमेगा और ऐसे बगल में लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है? एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बातें हो रही है। कैसी क्वांटिटी है? मैंने कहा एक्सियल वेक्टर है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन किधर होगी? मैंने कहा डी थीटा की डायरेक्शन में ही होगी। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ओहो बहुत शानदार। क्या होगी इसकी यूनिट? मैंने कहा थीटा डिवाइडेड बाई लिन। तो कैसे होगी ये आपके पास होगी रेडियन डिवाइडेड बाई सेकेंड, रेडियन डिवाइडेड बाई सेकेंड की टर्म्स में आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आती हुई दिखाई देगी। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दो चीजें सीख ली हमने, दो चीजें हमने सीख ली। जैसे अगर आप क्या सीखा? मैंने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने सीख लिया, एंगुलर वेलोसिटी सीख लिया, बड़ा मजा आया। मैंने कहा अगर एक रामलाल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे चलते 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 यहाँ पहुंच गए, तो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। क्या हुआ है? थीटा हुआ। अच्छा, मैं थीटा ऐसे बना रहा हूं, इसका डायरेक्शन इधर नहीं है, किधर है? ऐसा है ना, अगर ये चल के ऐसे आए हैं तो थीटा कहां की तरफ? बाहर की तरफ। थीटा इधर की तरफ हुआ। मान लो कि ये आर्क की लेंथ एल है और इनकी रफ्तार, मान लीजिए रफ्तार जो थी, स्पीड जो थी वो भी कॉन्स्टेंट, हालांकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैंने कहा कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं थीटा को एल डिवाइडेड बाई आर लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ, एल डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं। आर क्या है? आर जो है बेसिकली इसका रेडियस है। मैंने कहा अच्छा, एल क्या है? अगर मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने यहां से स्टार्ट किया और टी इज इक्वल टू टी पे ये स्पीड सेम है, क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। हम ये मान अभी ये मान रहे हैं कि मान लो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो। कैसे चल रहा हो? यूनिफॉर्म स्पीड से। यहां आ गया टी इज इक्वल टू टी पे, तो एल जो है इसको क्या मैं वी इंटू टी पे लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ बे, डिवाइडेड बाई आर है, दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी वी, सॉरी आपके पास क्या आ जाएगा? वी और आर कॉन्स्टेंट है तो वी बाई आर आ गया है, टी का डिफरेंशिएशन वन हो गया है। ये आपके पास क्या आ गया है? ये आपके पास ओमेगा आ गया है। अरे ये क्या हुआ? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। अच्छा, ओ हो, तो क्या ऐसा होगा कि ओमेगा
वेक्टर इज इक्वल टू वी बाई आर वेक्टर रहने का ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे होगा आपके लिए ओमेगा डॉट ओमेगा क्रॉस आर है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू वी वेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें जैसे पर्टिकुलर केस में ओमेगा कैसा होगा, मैंने कहा ओमेगा थीटा की डायरेक्शन में होगा, ओमेगा ओमेगा कैसा होगा थीटा डिवाइडेड बाय टी, थीटा की डायरेक्शन है और थीटा आपका कैसा है बाहर है, तो ओमेगा 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 की डायरेक्शन क्या होगी आपके लिए थीटा की डायरेक्शन जो की बाहर होगी, बाहर को आर की डायरेक्शन में, आर आपका कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कर्वेटर ऐसा आ रहा है तो भी उसी डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे ऐसे रहेगी टेंजेंशियल, यानी कि ये है आपके लिए काम की चीज। और मैं इंक्लूड वाइज ऐसे बोल सकता हूं कि वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, क्यों क्योंकि क्योंकि ओमेगा और आर के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ओमेगा क्रॉस आर इज ओमेगा आर साइन 90 डिग्री जो कि हो जाएगा आपके लिए 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए मैग्नीट्यूड वाइज वी इज इक्वल टू ओमेगा। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता हमने सर्कल में साबित किया कि किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे रफ्तार अगर वी है, ओमेगा ओमेगा है, तो मैं वी को ओमेगा आर से ऐसे रिलेट कर सकता हूं, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर बने का। अच्छा ओहो, हमने अभी पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़ा है मैंने कहा एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा लोग बोलेंगे लगे हाथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी बता दो, है ना, और ये वाला रिश्ता भी पता कर लिया सर्कल के केस में। मैंने कहा क्या ये जरूरी है कि मैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बातें सिर्फ सर्कुलर में ही करूं, क्या ये एंगुलर वेरिएबल सिर्फ सर्कुलर के लिए ही एप्लीकेबल है, क्या एक पार्टिकल मेरे मैं ऐसे खड़ा हूं उधर सर्कुलर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या तब भी आपको ओमेगा पूछा जा सकता है, क्या उसके केस में भी आपको थीटा वगैरह पूछ लेता है, क्या आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ ले। मैंने कहा भाई पता नहीं। अच्छा एक छोटी सी बात से बात देखते हैं, सन 2008 की जेई में, यानी 2008 की जेई में एक सवाल पूछा गया, उस सवाल से बात करते हैं। हमने दोनों के ये सीख लिए वी इज़ इक्वल टू ओमेगा आर प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, छोटी छोटी बातें करते हैं यहाँ पे, ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने क्या पूछा कि हम एक फास्ट मूविंग ट्रेन में जब जा रहे हैं, उन्होंने क्या, हमने अपनी जिंदगी में ये बहुत ऑब्जर्व किया है, हमने क्या किया है बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, एक फास्ट मूविंग ट्रेन में अपन लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया जा रहे हैं, अपने को ऐसा लगता है कि ट्रेन वहां रुका हुआ है और पेड़ लोग भाग रहे हैं पीछे की तरफ, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसी फील अपने को आती आती है ना, आपको भी आती होगी। अच्छा अब आप ध्यान से, उन्होंने लिखा मतलब असेशन रीजन वाला सवाल था, असेशन एंड रीजन वाला सवाल था, क्या सवाल था मैं आपको बताता हूं, आईटीजेई 2008 में ही पूछा हुआ सवाल है, आप ध्यान से सुनिएगा, आईटीजेई 2008 क्या सवाल है, असेशन एंड रीजन वाला है, ए एन आर, ए में उन्होंने बोला कि भैया भैया अगर हम फास्ट मूविंग ट्रेन में है भाई साहब, है ना, हाँ दुरंतो राजधानी में बैठे हुए हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर की तरफ, है ना, तो जो पास वाले पेड़ है यूपी बिहार के प्लेन वाले रीजन के अंदर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बाहर इधर की तरफ देख रहे हैं, अपने को लगता है अपन एकदम मस्त बैठे हैं भैया, पेड़ लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा अपने को लगता है। उन्होंने ये बोला सेशन में कि जो पास वाले पेड़ हैं, यानी कि जो ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन मान लीजिए ऐसे जा रही है वी रफ्तार से, तो इन्होंने बोला कि जो पेड़ यहाँ पे पास में है, यानी इसके बहुत पास में है, वो इधर तेज रफ्तार से जा रहा होता है, और एक बहुत दूर इधर पहाड़ी पे एक पेड़ है, बहुत दूर इधर पहाड़ी पे पेड़ है, बेसिकली यहाँ पे एक पेड़ है, बहुत दूर पेड़ है, माना कि ये वाली दूरी आपके लिए D1 है, ये वाली दूरी D2 है ट्रेन से, D2 बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है कंपेयर टू D1 है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये वाला जो B से पीछे की तरफ बहुत तेजी से पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये वाला ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, कैसे है ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, कौन सा वाला पेड़, जो काफी दूर है किससे, ट्रेन से। अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसा होता है, ऐसा तो हमने ऑब्जर्व किया भाई साहब, पास के पेड़ तेजी से पीछे जा रहे हैं, बहुत दूर एक पहाड़ी पे एक पेड़ रहता चल कर रहा होता है, अपन तो यहीं पे हैं कि नहीं यार। अब आप जानते हैं कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, ये सब बातें कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है ये सब वही भी पूछना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो बताने के लिए ये बिल्कुल बताना पड़ेगा कि भैया कहाँ खड़े होके चीजों को देख रहे हैं, लेकिन अपन ट्रेन से जब बातें करते हैं तो ये कर रहे हैं कि उन्होंने पहले असेशन में बोला कि जब अपन एक फास्ट मूविंग ट्रेन में चल रहे होते हैं तो हमें पास के पेड़ तेज रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं, दूर का पेड़ ऑलमोस्ट रेस्ट पे लगता है,
और रीजन में लिखता, भाई सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ऐसा लगता है तो लगता है, और रीजन में लिखा हुआ था कि अगर ऑब्जर्वर की रफ्तार, अगर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की रफ्तार मान लीजिए v1 है और ऑब्जेक्ट की रफ्तार क्या है, ऑब्जेक्ट की रफ्तार v2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगी, v2 माइनस v1 हो जाएगी। मैंने कहा विचार तो ये भी सही है, विचार तो ये भी चाहिए, और वही वही चार ऑप्शन दिए हुए थे 1, 2, 3, 4 कि भैया दोनों बातें सही है, सेकंड वाला रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, भैया दोनों बातें सही है लेकिन सेकंड वाला करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, ये चारों ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड रहते हैं वो दिए हुए थे। अच्छा आप सोच के बताइए कि भैया क्या क्या आपको होना चाहिए, क्या ये पहला ऑप्शन जो है वही ठीक हो जाना चाहिए कि ABCD, मान लो ABCD या 1, 2, 3 जो भी आपको मानना है, ABCD कौन सा वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अरे ठीक ही तो बोल रहा है ना कि भाई ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी यही है, और क्या यहां पर रिलेटिव भी कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या इसी वजह। अच्छा एक बात बताइए भैया, अगर ये बात तो बिल्कुल सही लिखी, क्या ये डी वाली बात सही लिखी हुई है। मैंने कहा यार अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो असेसन है ये भी हमने सही पाया है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक के नॉलेज के हिसाब से तेरे को ऐसा लगा होगा कि कर ही रहा है यार, रिलेटिव वेलोसिटी की जो है हम वहां बैठ के देख रहे हैं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी रीजन है तो अगर तू वी से जा रहा है तो तुझे ये थोड़ी मतलब है कि ये की दूरी क्या है, इसकी रफ्तार भी वी ऐसे होगी, इसकी रफ्तार भी वी ऐसे होगी, तो फिर तेरे को तो बहुत दूर वाला पेड़ भी सेम रफ्तार से जाना हो जाता हुआ दिखाई देता। अरे तुझे ये मतलब थोड़ी है कि तू ऐसे जा रहा है, पास वाले पेड़ को वी मिली, बहुत दूर वाले को भी तो वी उधर ही मिली ना यार, लेकिन तेरी आंखों को क्या लगा, तेरी आंखों को ये लगा कि ई भैया जो है बहुत ही रेस्ट टाइप के हैं, ये बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं, ऐसा क्यों लगा। अरे रिलेटिव वेलोसिटी तो दोनों की सेम आई ना चंपक लाल, ये रुके हुए थे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तू वी से जा रहा, तूने अपनी स्पीड दोनों को उल्टा करके दी, वी वी आया, दोनों का सेम मस्त रहे, दोनों की रिलेटिव रफ्तार सेम हुई, अगर रिलेटिव रफ्तार आंसर होता तो भैया दोनों सेम रफ्तार चलते हुए, इसका मतलब जो रीजन है वो तो ठीक नहीं है, रीजन की वजह से तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है पर वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन तो बी था। अच्छा तो फिर क्या चीज होती है जिसकी वजह से हमको जो है मान लो कि भाई ये वाला रेस्ट पे लगता है और ये वाला रुका हुआ लगता है। मैंने कहा यहां सिर्फ रिलेटिव स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहां कुछ और बात हो रही है, उसको समझते हैं, उसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लो कि यहां पे एक रॉड है, मान लो कि यहां पे एक रॉड है, हाईवे टाइप का ऐसा रॉड मान लीजिए, तेरी गली टाइप का, और यहाँ पे मान लीजिए एक कन्या है या आप है, मान लो कि भाई कोई है, हाँ, जो अपनी साइकिल या स्कूटी पे जा रही है या जा रहा है, और आप मान लीजिए कैसे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, या फिर मान लीजिए वी से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वी से इधर जा रहा है, और आप जो है खोपचे में सीधे ऐसे खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं, अपनी दोनों आंखें लेकर के इधर देख रहे हैं, जाने वाले को ऐसे देख रहे हैं। अच्छा और ये अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे जा रहे हैं, और आपकी मान लीजिए दूरी फिक्स है, आप हमेशा नजरें एकदम ऐसे ऐसे लगा रखी, एकदम ऊपर ही लगा रखी है। अब आप ध्यान से देखें थोड़ी देर बाद में ये जो भी हैं आपके आपके प्यारे हैं, इसलिए आप इनको बहुत मतलब जो है देखे ही जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद में ये ऐसे आ गए, आपका एंगल हो गया मान लो थीटा 1, थोड़ी देर बाद में ये ऐसे चले गए, है कि नहीं यार, यहां पे पहुंच गए भाई साहब, ओ हो, आपका एंगल हो गया है, क्या हो गया है, अब मान लीजिए कि ये वाला, मान लीजिए कि आपने टी टाइम में t = 0 से t = t पे यहां पे पहुंच गए, और t = 2t पे मान लीजिए t = 2t पे यहां पहुंच गए। आप मुझे बताइए कि आपकी जो मुंडी, यानी कि आप ये बताइए मेरा किसी भी टाइम पे, मान लो एंगल है मेरा किसी भी टाइम पे t = t पे, मान लो कि कोई भी टाइम है t = t', यहां पे ये जो एंगल है वो थीटा है, और वो थीटा चेंज हो रहा है, वो थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा यार, तू मुझे ये बता कि वक्त के साथ में d θ / dt बड़ा है, घटा है, कि वही है, कांस्टेंट है, सोच के देख क्या है, तूने मतलब ऐसे रोड से ऐसे सामने जा रहे हैं, तू ऐसे देख रहा है, तूने ऐसे मुंडी घुमाई उधर की, ऐसे देख रहा है, तो तू जो मुंडी घुमा रहा है क्या वही d θ / dt है। मैंने कहा सोच के देख कि क्या ये कम हो रहा है, क्या ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कि कांस्टेंट है, सोच के देख, तू ये बता कि सेम टाइम इंटरवल में ये थीटा 1 गया, अगले में ये थीटा 2 गया, तुझे साफ साफ दिखाई देगा कि थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से कम है, और टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल क्या है, सेम मैंने लिया है, तुझे ये पता लगेगा कि जो मुंडी घुमा, मतलब ये जो d θ /
डीईटी है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। अब तू बोल रहे मेरे को फील नहीं आई, अबे मान लीजिए सामने स्कूटी पे कोई जा रहा है ना, या जा रही है ना, आप पे डिपेंड कर रहा आप किसको देखना चाह रहे हैं, और वो तेरे सामने से जैसे जा रहा, जैसे तू ऐसे खड़ा सामने से जा रहा है, तो तू ऐसे धड़ाक से देखेगा पीछे पीछे, बहुत दूर पीछे निकल जाएगा तुझे बिल्कुल भावना दिए हुए, तो तू ऐसे देखता रहेगा धीरे 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 ऐसे। तो क्या तेरी मुंडी घुमाने की रेट तो बता रही है ना, तेरे लिए पहले ये बहुत तेजी से जस्ट सामने से ऐसे जा रहा था, तेजी से ऐसे घुमाई, फिर तो ऐसे देखता रह गया, तो क्या ये मुंडी घुमाने की रेट जो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा थी? मैंने कहा कि दूर जब चला गया कम थी? मैंने कहा हाँ। तो क्या ये जो पास वाला पेड़ है इसको देखने के लिए, कंटिन्यूस उसको देखने के लिए तुझे मुंडी फास्ट घुमानी पड़ रही है, तेरे को लग रहा है कि वो पास जा रहा है, तेरे को मुंडी ज्यादा घुमाना मतलब यही तो हुआ ना भाई ओमेगा, तेरे को ये ओमेगा वाली फील दिखाती है कि कौन फास्ट जा रहा है कौन कौन स्लो जा रहा है, इसके लिए ओमेगा ज्यादा है कि इसके लिए बहुत कम आएगा। क्यों बताए कि टी टाइम के बाद में ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा वीटी और ये आगे जाएगा वीटी, लेकिन ये जो एंगल आएगा आपका, मान लीजिए पहले वाला एंगल थीटा वन है, दूसरे वाला थीटा टू है, थीटा टू बहुत कम होगा कंपेयर टू थीटा वन, और टाइम सेम है भाई साहब, थीटा टू डिवाइडेड बाई टाइम इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू थीटा वन डिवाइडेड बाई टाइम है, ये आपको ओमेगा टू मिल जाएगा, ये आपको ओमेगा वन मिलेगा, उसको देखने के लिए मुंडी आपको बहुत दूर वाले पहाड़ी पे एक पेड़ है उसको देखने के लिए आपको मुंडी उतनी तेज नहीं घुमाने लग पड़ती, अब ऑलमोस्ट वो स्टेशनरी टाइप का लगता है, लेकिन जो पास वाला पेड़ है उसको अगर देखना है लगातार तो आपको भी मुंडी ऐसे घुमानी पड़ती, थोड़ी टाइम बाय टाइम बाद में खिड़की से देखना पड़ेगा एकदम पूरा ऐसा है कि नहीं यार। अब तो भाई साहब ये जो कौन फास्ट चल रहा है, कौन मतलब पेड़ की टर्म में जब आप ट्रेन से देख रहे होते हैं तो वहां पे क्या लगा आपके लिए? ओमेगा का योगदान आ गया भाई साहब, एक मिनट, ओमेगा की योगदान आ गया। क्या आपके लिए, क्या आप यहां खड़े थे, ये जो साइकिल पे जा रही थी या जो स्कूटी पे जा रही थी, आप यहां पे एकदम मतलब भिखारी की तरह खड़े हैं, मतलब अच्छे तरह से खड़े, तैयार होके खड़े हैं कि कहां से कोई देख ले आपको, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं देखा और वो सीधी ऐसे कट ली, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो आपके रेस्पेक्ट में तो ये तो भाई सर्कुलर मोशन तो कर ही नहीं रही, अरे ये तो वैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही सीधी रोड पे, आप यहां पर खड़े हैं, सर्कुलर तो नहीं हो रहा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, फिर भी ओमेगा काम आ रहा है, फिर भी थीटा काम आ रहा है, ओ तो ये जरूरी नहीं है कि एंगुलर वेरिएबल जो अपन पढ़ रहे हैं थीटा ओमेगा अल्फा, ये कोई सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा हो तभी अटैच किया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थीटा ओमेगा एंड अल्फा कैन बी अटैच्ड इन एनी मोशन, बहुत तरह की मोशन में, किसी भी मोशन में ये थीटा ओमेगा और अल्फा घुसाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यही मास्टर आपको सिखा रहा था, मतलब यही बात बताना चाह रहा था इस पूरे सिस्टम से, बाकी इसका आंसर बी क्यों हुआ ये आप समझ गए कि भैया ये जो घटना होती है उसके लिए ओमेगा टू इज लेस देन ओमेगा वन, यानी इसका ओमेगा बहुत कम आता है इसके, वो चीज रियल आंसर है, रीजन है, ना कि रिलेटिव स्पीड, अगर रिलेटिव वेलोसिटी या तो दोनों की सेम आई थी तो फिर तो मतलब जो है आपका आंसर ए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा रिलेटिव मतलब फिर तो आपको दोनों की सेम रफ्तार दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो इसका आंसर नहीं है, कितना कोई फास्ट चल रहा है वो आपके रेट ऑफ मुंडी ऐसे जितना फास्ट आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जो काम की चीज मास्टर ने यहां समझाई कि भाई साहब ये कहीं भी घुसाए जा सकते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। अब अभी अभी जो लेटेस्ट अपन सीख के आए, पेन हो गया बंद तो अपन नया पेन लेते हैं, अभी अभी अपन ने सीखा कि अगर कोई आइटम सर्कुलर कर रहा हो, क्या कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, अच्छा, और उसका रफ्तार v हो, यूनिफॉर्म अगर स्पीड से वो सर्कुलर कर रहा हो, रफ्तार v हो, रेडियस अगर r हो, रेडियस अगर क्या हो, r हो, तो अपन ने क्या v इज इक्वल टू ओमेगा r प्रूव कर दिया? मैंने कहा हाँ भैया, ओ अभी अभी ये प्रूव किया है, सर्कल का सी उड़ गया, कोई बात नहीं मां, अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि अगर एक आइटम है जो कि v रफ्तार से चल रहा है यूनिफॉर्म, और ये ओमेगा से ऐसे हो रहा है, ये r है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r किसी पॉइंट पे हमने प्रूव कर दिया है। मैंने कहा भैया अभी जो अपन देख रहे हैं एग्जांपल, वो साइकिल वाली वाला इधर जा रही है और रफ्तार क्या है, मैंने कहा रफ्तार मान लीजिए इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है, बिंदु P है, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, और ये बीच वाली जो दूरी है, बीच वाली दूरी जो है
वो मान लीजिए कि 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। आपको कोई बोले कि आपके रेस्पेक्ट में इनकी रफ्तार क्या, स्पीड क्या, आप रुके हुए हैं, आपके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ इसका नाम बोलते हैं, मान लो इसका नाम क्या बोलेंगे मान लें सुंदर कन्या, नहीं कोई सी कन्या बोलते नहीं, कन्या क्यों बोलना, राम बोल देते हैं, राम 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 राम, या कुछ भी बोल दीजिए आपके हिसाब से, अपने हिसाब से। मान लो कि आइटम, ऐसे बोलते हैं आइटम इज बेस्ट, हमारा तो आइटम है, आइटम इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। अच्छा आपको बोले कि भैया जब पॉइंट पी पे था हमारा आइटम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अच्छा सिंपल बोले कि वेलोसिटी ऑफ आइटम ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। आप बोलेंगे भाई साहब 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ। आपको बोले कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्या बता सकते हैं आप? ध्यान से देखें, यहां पे आप देखेंगे तो ओमेगा है क्या, बेसिकली वी बाई आर है। ध्यान से देखेंगे तो आप वी और आर आपस में परपेंडिकुलर, जैसे कल को तुम्हें कोई बोल दे एग्जाम्पल के लिए कि भैया यहां पे ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये रेडियस है 2 मीटर, तो ये ओमेगा बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे भाई साहब वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओमेगा क्या होता है? मैंने कहा वी बाई आर होता है। वी क्या होता है? मैंने कहा 10 होता है, मतलब यहां दिया हुआ है 2, यहां पे है 5 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वी एंड आर आर परपेंडिकुलर। मैंने कहा भैया अगर आपको ओमेगा चाहिए तो भैया वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, आर के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी के कंपोनेंट को आर से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाता है? ओमेगा। मैंने कहा अच्छा ओ हो, तो क्या यहाँ पे 10 पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है इस आर के? मैंने कहा आर क्या है? पॉइंट एंड ऑब्जर्वेशन के बीच की दूरी होती है। अच्छा तो क्या यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे लिए? ओमेगा इज बेसिकली वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर है। ये पॉइंट पी पे बातें कर रहे हैं, एट पॉइंट पी है। मैंने कहा अच्छा पॉइंट पी पे जो ओमेगा आएगा वो आपके लिए 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड आपके लिए ओमेगा आता हुआ दिखाई देगा। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। ओ हो, फिर क्या हुआ? मैंने कहा मान लो कि ये तो इधर देखता गया, इसने बिल्कुल भाव नहीं दिया, और ये आइटम कहां पहुंच गया है? आइटम पहुंच गया है यहाँ पे, और ये 4 मीटर है। मान लो आइटम इधर की तरफ आ गया 3 मीटर, क्या आ गया है? 3 मीटर, और इसकी रफ्तार अभी भी आइटम पी से क्यू पे आ गया है, इसकी रफ्तार वैसे ही है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बोले कि भैया ओमेगा ऑफ आइटम एट क्यू विद रेस्पेक्ट टू ओ इनके रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या है। अब क्या 10 इसके परपेंडिकुलर है? मैंने कहा आर क्या है? मैंने कहा आर तो ये बीच वाली दूरी है भैया, आर क्या है? बीच वाली दूरी है। और वी क्या है? मैंने कहा यहाँ पे वी जो होता है वो आर के परपेंडिकुलर होता है। मैंने कहा 10 नहीं लेना है, 10 का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? मैंने कहा 10 का ये वाला कंपोनेंट। अच्छा वो कैसे पता करेंगे? मैंने कहा ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, तो तेरे को स्टाइल मार के ये क्या दिया है? 53 डिग्री। अरे भैया और ये एंगल क्या है? ये 37 डिग्री है। अच्छा ये अगर 53 डिग्री है ये, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हो, अब आप ध्यान से देखें, ये एंगल है आपके लिए 53 डिग्री है ना। अच्छा भाई साहब, और ये अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें इधर, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? 53 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। तभी तो आर से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई साहब। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये 90 180 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो वी का कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का है? मैंने कहा वी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। इस साइड वाला कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं 10 sin 37 डिग्री, और ये वाले कंपोनेंट को क्या लिखूंगा मैं? 10 cos 37 डिग्री। 10 cos 37 डिग्री यानी क्या हो जाएगा वो? 10 into 4/5
यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा अच्छा ओहो, तो ओमेगा मेरे लिए v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r यानी कि 8 डिवाइडेड बाय r क्या हो जाएगा, ये 4 है 3 है तो ये 5 हो जाएगा, 8 बट्टा 5 रेडियन पर सेकेंड। ओह यहाँ पे क्या था, मैंने कहा यहाँ था 2.5, अब क्या हुआ, मैंने कहा कम हो गया 2.5 से, तो आप ध्यान से देखो मुंडी घुमाने की रेट ही तो कम हो रही है, मुंडी घुमाने की रेट इधर जाने पे कम हो रही है, यानी डी थीटा बाय डी टी जो है जैसे जैसे ये इधर जाता रहेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपका डी थीटा बाय डी टी थीटा यहां से एंगल बन रहा है, ये जो ओमेगा है वक्त के साथ क्या हो रहा है कम हो रहा है। अच्छा आप समझ गए कि भैया ये जरूरी नहीं है कि थीटा और ओमेगा कहीं भी घुसाए जा सकते हैं, ग्राउंड के इसमें पार्टिकल से सर्कुलर कर रहा हूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, ओह कोई डरने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली किसके, आर के, तो क्या मिल जाएगा और आर कहां है, मैंने कहा पॉइंट और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी है। ओहो, टाइम क्या हुआ है, आगे बढ़ते हैं नॉन स्टॉप बगैर सांस लिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बनाते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं, मान लो कि कुछ सवाल मैं आपसे बोलूं, पहले साफ हो जाओ, जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, मान लो कि भैया ऐसा हो, कैसा हो कि यहां पे आप खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं, निकल यहां पे खड़े, ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, मैंने कहा ठीक है यहां से 5 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे 5 मीटर की दूरी पे 37 डिग्री के एंगल पे एक आइटम है, कौन है एक आइटम है, ये आप ऑब्जर्वर हैं ओरिजिन पे खड़े हैं, आइटम आई है, आइटम कौन है आई है, मान लो वो इधर की तरफ जा रहा है या जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, आप अपनी आंखें लेके कहां खड़े हैं ओरिजिन पे खड़े हैं, आप और इनके बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर है, आपको कोई बोले कि ओमेगा ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बताइए, आइटम का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ओमेगा बताइए, तो आप बोलेंगे भाई साहब हम बिल्कुल डरने वाले लोगों में से है नहीं, हम तो जानते हैं कि ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, r तो बीच की दूरी ही होती है, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट है इस टेन का वो वाला कंपोनेंट जो इस r के क्या हो परपेंडिकुलर हो, मैंने कहा भैया ये एंगल है 37 डिग्री है ना, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया है आपके लिए, ये वाला एंगल हो गया आपके लिए 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो गया है ये 37 डिग्री हो गया, ओहो ये 37 तो ये वाला एंगल क्या हो गया है 37 डिग्री है ना। अच्छा मास्टर प्लॉट में हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर ले, वैसे कभी कभी हो सकती है, आगे कैमरा रखा हुआ है कुछ नहीं बोल रहा है, तो मतलब आप उसको लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे समझे, कैलकुलेशन भी गलती मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश तो हमेशा रहती है, खैर नॉन स्टॉप चलने में कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं 37 को 53 लिख दूं और पूरा आंसर उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन खैर अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, आप उसको मतलब जब भी पढ़े तो बता देंगे भाई यहाँ पे कैसे क्या गलती से है कि ये सही में सही है। अच्छा ये 37 डिग्री हो गया, 10 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 10 का ये वाला कंपोनेंट आपके लिए काम का है क्योंकि 10 का इधर वाला कंपोनेंट लेंथ को बढ़ा रहा है, 10 का इधर वाला कंपोनेंट घुमाने की बातें कर रहा है, यानी ये वाली बातें तो अभी अपन कर रहे हैं। अच्छा 10 का कौन सा वाला कंपोनेंट, मैंने कहा भैया 10 को 37 डिग्री आपके लिए 4/5 हो गया है, यानी ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड हमारे काम का है, ये 6 हमारे कोई काम का नहीं है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी v परपेंडिकुलर हमारे लिए 8 है डिवाइडेड बाय 5 है, डिवाइडेड बाय 5 है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, देखिए कोड़ी की रफ्तार से आपने खुद कर डाला, देखो कोई टफ है क्या, कोई टफ है क्या, मैं देखो तेरे सामने एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर सामने ही एग्जांपल बनाते हैं, मान लो कि ये वाई एक्सिस है, मान लो कि ये वाली क्या है एक्स एक्सिस है, अच्छा भाई हो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल अनंत बनाए जा सकते हैं, मान लो कि ऐसा हो आइटम तू यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है यहाँ खड़े हो ओ, और आपका आइटम कहाँ है, आइटम यहाँ पे है, कौन है आइटम, अच्छा और आइटम जो है आप मान लीजिए कि भैया ऐसा है ये वाली दूरी है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, और आइटम जो है इधर की तरफ जा रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, मैंने कहा अच्छा और ये वाला एंगल तो तुझे दिया हुआ है 45 डिग्री,
मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार, तुमसे बोला जाए कि भक्ति भैया ऐसा कीजिए ओमेगा ऑफ आइटम बताइए विद रेस्पेक्ट टू ओ। तुम बोलेगा भाई क्यों टाइम पास करवा रहे हो, बीच की दूरी हमें पता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला 20 होगा ये वाला भी 20 होगा, 20 इंटू 1 बाई रूट 2 तो आपका हो गया है 20 डिवाइडेड बाई 5 है ना, 20 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ गया आपका 4 रेडियन पर सेकेंड। मैंने कहा अच्छा ओह ये तो हो गया तो निकाल दिया। मैंने कहा भाई साहब ये मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया, मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाना चाहता हूं। मैंने कहा भैया ये तो आप है ना खुद ऑब्जर्व, जरूरी थोड़ी आप रुके रहे, जरूरी थोड़ी है कि आप रुके रहे। मैंने कहा आप खुद ही इधर जा रहे हो वाई एक्सिस के अलोंग कैसे, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कैसे जा रहे हैं, आप मान लीजिए इधर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आप जा रहे हैं, अब बताइए मुझे ओमेगा ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे आप भी मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए ओमेगा था वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर। मैंने कहा भैया इसकी कंपोनेंट आ गए आपके 20 और ये वाला 20, हमारा इंटरेस्ट कौन सा, मैंने कहा परपेंडिकुलर वाले में, और आप कहां बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने कहा ओ पे, तो आप अपने आप को चलता हुआ मानेंगे कि रुका हुआ, आप अपनी रफ्तार को क्या उल्टा करके देंगे। मैंने कहा हाँ 20 और 10, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 10 ऊपर की तरफ, तो भैया ओहो तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, मैंने कहा 10 डिवाइडेड बाई बीच का दूरी क्या है 5 मीटर है, ये आपके लिए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड कहां लिख रहे हैं भाई, रेडियन पर सेकेंड, समझ गया ना 2 क्यों आया है, ये 20 है और ये 10 है, दोनों पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या कर दिया है रिलेटिव। अच्छा बहुत अच्छा, आपको पूछता ये ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपके लिए यहां बैठ गए और रफ्तार उधर है 10 है कि नहीं यार, है ना, तो आपके लिए ओमेगा जो ये ऐसे ओमेगा तो ऊपर की तरफ होगी। अच्छा बहुत बढ़िया, अब आपको ध्यान से देखें, ध्यान से अपन देखें, तो मैंने किया क्या है, मैंने कहा भैया जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है मैंने तो उनका रिलेटिव लिया है, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव, और अच्छे से फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन के आया कि ओमेगा होता है वी परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय आर, और आर होता है फासला किसके बीच का, ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में, किसके बीच का, पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट के बीच का। इसको और अच्छे से अपन देखते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं, मजा आएगा, अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा कि ओमेगा निकालने के लिए कहीं भी पूछा जाए मार्केट में खड़े होकर तुरंत बताएंगे कि ये रहा ओमेगा। अच्छा अब आप ध्यान से देखें तो आपने ये साबित कर दिया है कि ओमेगा इज बेसिकली वी परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ऑब्जर्वर। अच्छा ओहो यही आपका कैपिटल आर है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि यही वाले एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 मीटर की दूरी पे आपके पास जो आइटम है वो जा रहा है आपका 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, आप हैं ऑब्जर्वर, आप क्या हैं, ऑब्जर्वर हैं। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, मान लो कि भैया मैंने क्या कर दिया है, आपको भेज दिया इधर की तरफ, कितने आप इधर की तरफ जा रहे हैं, कितनी रफ्तार से आप जा रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री। आहो अब आपसे पूछें कि आप रफ्तार अपने ओमेगा बताइए, ओमेगा बताइए आइटम का विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ओमेगा ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो बताइए। आप बोलेंगे इसमें डरने की कौन सी बात है, हमारा इंटरेस्ट तो आर के, यानी ये हमारा आर हो गया है बीच की दूरी, और इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी पे है, फिर मैंने कहा उनका रिलेटिव ले लेंगे, तो इसका कंपोनेंट कौन सा आ गया है 20 आ गया इधर की तरफ, इसका कंपोनेंट क्या होगा काम का, मैंने कहा ये वाला कंपोनेंट काम का होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री, यानी कि 20 into cos 37 डिग्री क्या होगा
बाई फाइव हो गया है, तो ये आपका 4520 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड आ गया है। मेरा इंटरेस्ट सब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मेरा आइटम है, यहाँ पे ओ है, इधर की तरफ कौन जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये ऐसे जा रहा है, अरे परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है, ये 16 है भैया। भैया हम बात कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो ओ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ओ अपनी रफ्तार को उल्टा करके देगा, 16 इसमें एड हो जाएगा, 20 + 16 यानी 36 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, पूरी की पूरी परपेंडिकुलर वाली बातें हो रही है, बीच का फासला 5 है, यानी कि आपका आपका जो ओमेगा ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू ओ होगा वो हो जाएगा 36/5 रेडियन पर सेकंड, 36/5 रेडियन पर सेकंड। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। टाइम क्या हुआ है, अकेला चलता रहना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें तो ओमेगा आपका आ गया है 36/5 रेडियन पर सेकंड। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ और सवाल बनाते हैं, सवाल बनाना कोई टफ है क्या? काम की बात क्या है? काम की बात यही है कि भैया ओमेगा इज बेसिकली वी परपेंडिकुलर रिलेटेड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड ऑब्जर्वर। और ये जरूरी नहीं है कि पार्टिकल लॉग सर्कुलर करे। ओमेगा, थीटा, अल्फा, ये सब कहां घुसाया जा सकता, कहीं भी अटैच किया जा सकता। मास्टर सिर्फ इतना बोल रहा है सर्कुलर मोशन अभी उसने शुरू भी नहीं की है, अभी उसने स्टार्ट भी नहीं की है। ओहो हो 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 हो, अच्छा बहुत ही खूबसूरत। एक आध सवाल और बनाते हैं। मान लो ऐसा हो, कैसा हो, मान लो आपको कोई सवाल दे दे, कैसे सवाल दे दे, इसी पे बनाते हैं। आप सवाल, आप खुद सवाल सोल्व करें, खुद ही सवाल सोल्व करें। मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे एक आइटम है, यहाँ पे एक आइटम है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं। कितनी हाइट से रिलीज कर रहे हैं, माना कि 50 मीटर पे, t = 0 पे है ना। आपकी ये वाली दूरी है मान लीजिए 40 मीटर, क्या है 40 मीटर है। आपसे बोले कि फाइंड ओमेगा ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट t = 2 सेकेंड। घोड़ी की रफ्तार से खुद ही सॉल्व करो। 50 मीटर की हाइट से एक आइटम को रिलीज कर दिया है, आइटम ये मान लो, और आपको t = 2 सेकेंड में बताना है ओमेगा किसका, आइटम का विद रेस्पेक्ट टू क्या, ओ है। वही तुम पीएचडी कर लो, कहीं ओमेगा आ जाए डरने की जरूरत नहीं, घोड़ी की रफ्तार से कर लेंगे, इतनी वैरायटी सॉल्व करेंगे कि बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कहीं भी पूछ ले तो तुरंत ओमेगा बताएंगे। जरा ध्यान से देखें, सॉल्व करें भाई साहब। मास्टर तब तक एक सवाल और बनाता है। मान लीजिए कि क्या हो, मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड हो, मान लीजिए हमारे पास एक रॉड हो, मैंने कहा टिक 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 टिक, अच्छा ओहो, टिक 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 टिक, एक रॉड है, रॉड की लंबाई मान लेते हैं कुछ है, मान लीजिए कि रॉड की लंबाई है 10 मीटर, क्या है 10 मीटर, और ये बिंदु ए बोल देते हैं, ये बिंदु बी बोल देते हैं। माना कि बिंदु ए जो है वो इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आपको कोई बोले, आपको कोई बोले कि ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताओ, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बताओ। अच्छा भाई ओ हो, और ये एंगल आपको मान लो दे दिया जाए कि कितना है 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री। तुरंत कर डाले दोनों एग्जाम्पल, घोड़ी की रफ्तार से कुछ से करें, मजा आएगा। कर ले यार, अगर कर सकता है तो यू कैन डू इट, यस। जरा ध्यान से देख, t = 0 को तुमने इसको रिलीज किया, कितना नीचे आ जाएगा, अच्छा क्या रफ्तार हो गई। मैंने कहा यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, रफ्तार इसकी भी हो गई है, ये वाली दूरी डी हो गई है, ut 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 10 × t² 4 हो गया। ओहो ये तो आ गया 20 मीटर, क्या हो गया है 20 मीटर, अरे ये 20 हुआ तो ये हो गया 30, क्योंकि 50 में से मैंने घटा दिया, ये हो गया 30 मीटर, और ये है 40 मीटर, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 आएगा। मास्टर ने ऐसा ही वैल्यू एडजस्ट करके दिया है ना। अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट अब है वी में, वी जो है ये रफ्तार है जिससे कि ये नीचे जा रहा होगा, रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा v = u + at, दैट इज 10 × 2, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अरे भैया u 0 हो गया, अरे रिलीज किया है और एक्सेलरेशन g 10 है, टाइम जो v = u + at से 20 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए हमारा इंटरेस्ट किस पे, मैंने कहा इसकी परपेंडिकुलर में भी, आप तो कोई भी निकाल देगा। अच्छा ये 40 है 30, ये एंगल 37 पता लग गया कैसे, लाला 30/40 10 37 degrees 3/4, ये 37 डिग्री, ये 90 है, ये 53 डिग्री है, ये वाला क्या होगा, मैंने कहा ये वाला होगा 37 डिग्री, क्या होगा 37 डिग्री, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर हम बातें कर रहे हैं,
ये अच्छा, ये आपका 53 हो गया है, तो ये 37 डिग्री हो गया। हमारा इंटरेस्ट कौन सा है, मैंने कहा बी कोस 37 डिग्री में है, जो कि 4/5 हो जाएगा। वी की वैल्यू 20 है, 4/5 कर दिया तो हमने इसको काट दिया कितनी बार, 4, तो आंसर क्या हो गया है, ये मतलब 16 मीटर पर सेकेंड हो गया है। अब हमारे काम क्या रह गया है, मैंने कहा अच्छा ये इधर जा रहा है 16 से और बीच की दूरी क्या है 50 से, तो हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा, मैंने कहा ओमेगा ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू ओ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये ओमेगा हमारे लिए हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 50 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा टफ करना होता तो मैं खुद अपनी रफ्तार दे देता इधर उधर, ओ के भी कंपोनेंट लेते, फिर रिलेटिव निकालते कौन सी डायरेक्शन में, मैंने कहा परपेंडिकुलर वाले में हमारा इंटरेस्ट होता है, रिलेटिव निकाल देते। जैसे ओ का पूछा विद रेस्पेक्ट टू आई, ओ को रोक दो, ओ की रफ्तार उल्टा करके उसको दे 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 दे, दे दो, और आई का पूछा हो तो आई की दे दो इसको ओ के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये आपका हो गया बहुत ही शानदार। ये किया होगा आपने ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मैंने कहा भैया आप बोलोगे आपकी बी तो रुका हुआ है, क्या बी रुका हुआ है, क्या इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, कितने कई सारे लोगों ने यही काम किया होगा, क्रांतिकारी लोग। ये है एंगल 37 डिग्री, ये कंपोनेंट आया होगा 20 cos 37 डिग्री, यानी कि 4/5, यानी कि ये आपका कट गया है 4 बार, यानी कि आपका कट ही गया है, आपका कट गया है। ये आपका आ गया 20 × sin 3/5, तो ये आपका हो गया 4 और आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। कई कई क्रांतिकारियों का आंसर आया होगा 12 डिवाइडेड बाई बीच की दूरी क्या है 10 है, 1.2 आया होगा ना, 1.2 अगर आया हो, 1.2 आया हो तो गलत जवाब है, क्या है गलत जवाब है। मैंने कहा अच्छा ओहो सही क्या है, अरे भैया बी रुका हुआ नहीं है, बी चल रहा है। बोलेगा बी पे चल रहा है तो हमको उसकी रफ्तार दो, मैंने कहा नहीं रफ्तार नहीं देंगे, इतना ही देंगे करो। किया जा सकता है, मैंने कहा हाँ कैसे, कि अगर आप ध्यान से देखें, अरे कंस्ट्रेंट से निकालो ना बे चंपकलाल, बी की रफ्तार इधर होगी बी मान ले, और ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा 53 डिग्री, क्या V cos 53 डिग्री इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अलोंग द धागा, अलोंग द भाइयों बहनों अलोंग द धागा अलोंग द रोड रफ्तार सेम होती है। मैंने कहा V cos 37 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, 16 के बराबर होना ही चाहिए। अब यार कंस्ट्रेंट है यार, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट कुछ बातें कर चुके हैं अपन। cos 37 डिग्री आपका हो गया 3/5, क्या हो गया है 3/5 दैट इज इक्वल टू 16/2, गजब के सुखले आंसर लिए हैं, कोई बात नहीं देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो अपने अपनी मर्जी से ली है। तो वी की वैल्यू क्या आ गई है, मैंने कहा 16 × 5 = 56 और 80/3 हो गई क्या, मैंने कहा हाँ 80/3 m/s। अच्छा हो, ये हमारा हो गया है 80/3, मैंने कहा हम किसमें इंटरेस्टेड हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं किसमें, मैंने कहा वी ये कोस हो जाएगा, हम तो वी साइन 53 डिग्री में इंटरेस्टेड हैं, वी साइन 53 डिग्री में, क्योंकि क्या हो जाएगा, मैंने कहा 80/3 हो गया लल्ला, साइन 53 डिग्री होता है 4/5, क्या होता है 4/5, तो 5 से कट गया मान लो आपका कितना हो गया 16 हो गया ना, ये आपका हो गया है 16। अच्छा तो 16 ये हो गया 16 × 4 यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो अब आपका इंटरेस्ट जो है, मान लो जो काम की बातें वो क्या रह गई है, मैंने कहा ये है ऐसे, इधर की तरफ रफ्तार क्या है, इधर की तरफ रफ्तार है 64 डिवाइडेड बाई 3, परपेंडिकुलर वाले में ही इंटरेस्टेड है अपन, हाँ 64 और ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 12, क्यों कौन है भैया ये ए है, आपको क्या पूछा है ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है, तो बी पे बैठ जाओगे तो उल्टा करके ये वाली रफ्तार के किसको दोगे, मैंने कहा इसको दोगे 64/3, बीच की दूरी क्या है, मैंने कहा 10 मीटर है, ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा है नल्ला, तो 12 + 64 / 3 / 10 कर दी हो, जो आंसर आ रहा है ना उतना रेडियन पर सकी। मास्टर देख तेरे सामने सवाल बना रहा है, डेटा भी ले रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सवाल मार्केट में इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर पाएगा, ये तो रट्टू लोग थोड़ी हो आप यार, समझदार लोग हैं। ओहो, अब अगर सवाल और बनाना हो तो मार्केट में इसकी कोई कमी नहीं है, आप बना सकते हैं। जैसे कोई आपको बोले ऐसा बोलते प्रोजेक्टाइल इसमें ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, प्रोजेक्टाइल ऐड कर दे, कितना टाइम हुआ यार, काफी खिचड़िया लग रहा है आज, मान लो कि प्रोजेक्टाइल ऐड कर दे, मान लो कि प्रोजेक्टाइल ऐड करके एक सवाल बना लेते हैं, इधर बना लेती, इतना तो साफ हो गया है, प्रोजेक्टाइल ऐड करके कैसी
किसी 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 मान लो कि आपको बोले, क्या बोले, एक एग्जांपल लेते हैं कि आ, 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 ये है धरातल, ये क्या है, धरातल है। और यहाँ पे अपने पास एक आइटम है ना, एक ऑब्जेक्ट है या आइटम मान लीजिए, आइटम है। इसको अपन ने रफ्तार दे दी इधर 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल क्या है, मैंने कहा 37 डिग्री। ओ हो, तो ये ऐसे डर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने कहा हाँ। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड ओमेगा ऑफ आइटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से फेंका है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन एट एच मैक्स, यानी कि जब मैक्सिमम हाइट पे होगा, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, यानी यहां पे जब होगा, तब आपको ये वाले आइटम का ओमेगा बताना है। किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जहां से फेंका हुआ है उसके रेस्पेक्ट में बताएं। बाकी आप समझदार हैं, किधर भी कभी भी बता सकते हैं। आप जानते हैं कि ओमेगा आएगा क्या, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई आर, वी परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाई आर है। ओ हो, इसको सॉल्व करिए, ये आप इसको सॉल्व करिए, अपने एक और बना देते हैं। मान लो कि इसी वाले सवाल में आपसे क्या पूछा जाता, आपसे पूछते कि ये जो रफ्तार है वो आपकी है 20 मीटर पर सेकेंड, कौन है भैया, ये आइटम है और एंगल कितना है, 37 डिग्री है। यहाँ पे टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे जब ये जस्ट हिट कर रहा होगा, तो आपको पूछा है कि फाइंड ओमेगा ऑफ आइटम आइटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जस्ट बिफोर हिटिंग टू द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग टू द ग्राउंड। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। ओ हो, तुरंत दोनों सवाल सॉल्व करने के अपने विचार रखिए, काफी टाइम हो गया है अपने को नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, गले की 12 बज गई है। ध्यान से देखिए, तो मोस्ट पॉइंट पे चली पार्टिकल आ जाएगा, इसकी रफ्तार इधर रहेगी, ऊपर की रफ्तार 0 हो जाती है, वी वाई 0 हो जाएगा। ओ हो, और माना कि ये बीच की दूरी अब क्या हो गई है, डी हो गई, हमारा इंटरेस्ट इसी में है। और ये वाली दूरी क्या होगी, मैंने कहा ये एच मैक्स हो जाएगी, और ये क्या होगा, मैंने कहा आर बाई टू होगी। अब मैं ये नहीं बताने वाला आर क्या होता है, भाई रेंज है यार चंपक लाल, आर बाई टू हो गई। मेरा इंटरेस्ट डी में है, जो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, जो कि मेरे लिए हो जाएगा आर बाई टू का स्क्वायर, आर बाई टू का स्क्वायर प्लस एच मैक्स का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, अब मेरा किसमें इंटरेस्ट है, मैंने कहा मुझे कोई ये तो बताओ कि रफ्तार क्या होगी। मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल वाली रफ्तार में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट आपके लिए था 20 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री तेरे लिए है 4/5, यानी कि 4/5 से आ गया आपका 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी 16 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी। अरे ऊपर वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो क्या 16 का ही इधर वाला कंपोनेंट में मेरा इंटरेस्ट है। मैंने कहा किधर वाला, जो इस डी के परपेंडिकुलर, जो इस डी के परपेंडिकुलर हो। मैंने कहा भैया माना कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला क्या होगा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अरे भैया ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, तो हमारा इंटरेस्ट किसमें है। मैंने कहा 16 cos थीटा उधर होगा भैया, 16 sin थीटा इधर होगा, क्या होगा, 16 sin थीटा में हमारा इंटरेस्ट है। किसमें, 16 sin थीटा में, 16 sin थीटा पर परपेंडिकुलर वाला है। मुझे अगर कोई बोले और मैं रुका हुआ हूं, तो थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा और टफ करना होगा भी चल रहा। अबे यार कर सकते हैं ना। हाँ, ओमेगा और आई विद रेस्पेक्ट टू, काफी टफ ऑलरेडी हो गया है, ओमेगा ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको मैं बोल देता हूं मान लो ओ पॉइंट है, विद रेस्पेक्ट टू ओ जो है ये मेरे लिए हो जाएगा 16 sin थीटा डिवाइडेड बाई डी, 16 sin थीटा डिवाइडेड बाई डी। डी कहा है, मैंने कहा ये रहा, साइन थीटा कहाँ है, साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या आ जाएगी इस वाले ट्राइंगल में, बोलिए साइन थीटा, भैया ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा
तो कि आ जाएगा एच मैक्स डिवाइडेड बाई आपके लिए आ जाएगा आर बाई टू। अब अगर कोई चंपकलाल मुझे बोले कि एच मैक्स क्या होता है, कैसे पता करेंगे, रेंज कैसे पता करेंगे, तो मैं बोलूंगा आथू एक पानी ले लोटे में या ग्लास में, ऐसे मत कर, मुंह पे डाल और जाग। अभी भी तू कर सकता है, अभी भी जाके पढ़ ले और सीख ले कि भाई एच मैक्स क्या होता है, रेंज क्या होता है ना। एच मैक्स वर्टिकल में आपकी वेलोसिटी यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी आया होगा आपके लिए, और ये आपका आया होगा टू यू एक्स टू यू, मतलब रेंज निकालना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है, है ना। रेंज आप जानते हैं, वर्टिकल हाइट आप जानते हैं, है ना। अच्छा भाई 2u square sin theta cos theta divided by g, है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो h max आप पता कर लेंगे, इस पर्टिकुलर सवाल में रेंज आप पता कर लेंगे। h max यहाँ डालो, रेंज यहाँ डालो, sin theta मिल गया, sin theta यहाँ डालो, d की वैल्यू को r और h max डाल के यहाँ किया जा सकता है। अब किया जा सकता है ना आत्मा, वैल्यू मैंने मर्जी से रखी है, थोड़ा इजी भी किया जा सकता है, थोड़ा अच्छा सोच के रखा जाए तो थोड़ा ठीक भी आ सकता है, वैसे ये भी ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा और टफ करना होता तो बोल देता t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ तब क्या होता, तब मैंने कहा वेलोसिटी एक आपकी हॉरिजॉन्टल रहती, एक वर्टिकल रहती, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली हमेशा आपकी सोलाई रहती, वर्टिकल वाली सोचना पड़ता, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस at, वर्टिकल में लगा लेते, फिर क्या होता, मैंने कहा बीच की दूरी पता करते, है कि नहीं है, कोई किसी भी टाइम पे ये कोऑर्डिनेट इसके पता किए जा सकते हैं, अगर ओरिजिन हो बीच की दूरी पता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला मतलब निकाल, और फिर वही हो गया v पर परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय r। अच्छा यहाँ पे सवाल है प्रोजेक्टाइल में, मैंने यहां से फेंका है, ज्यादा सवाल हो गए क्या, हद से ज्यादा, नहीं नहीं ज्यादा नहीं, इतना काफी है, इसके अलावा इतना सिखा दिए कि इसके बाद मेजोरिटी ऑफ सवाल आप कर डालेंगे, फोड़ पाड़ देंगे। मान लो कि ये यहाँ पे हो गया 20 मिलीमीटर पर सेकेंड से फेंका है और आपको हीटिंग टाइम में पूछा है, तो हीटिंग टाइम में अगर पूछा जाएगा भैया ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी आपके लिए हो जाएगी रेंज ही हो जाएगी ना यार, और अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता है तो सब हिट करते टाइम इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, और ये वाला एंगल अगर 37 है तो ये वाला एंगल 37 हो गया, हमारा इंटरेस्ट इसमें रहेगा v, आपका ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड का कौन सा वाला कंपोनेंट, 20 मीटर पर सेकंड का, ये बहुत इजी होता है, ये वाला कंपोनेंट नहीं, कौन सा वाला 20 into ये कोस हो गया, ये अपना अपना आ जाएगा साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री v का ये वाला कंपोनेंट मिल गया जस्ट पहले हिटिंग से, परपेंडिकुलर क्या हो गई ये रेंज हो गई है, रेंज आप पता कर सकते हैं, साइन 37 पता है तो इतना रेडियन पर सेकेंड, ये जो है ये आपका ओमेगा आ गया है किसका, आइटम का विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा ऑफ आइटम विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये वाला पॉइंट है आइटम का जस्ट बिफोर t इज इक्वल टू कैपिटल t हिट करने के जस्ट पहले। अच्छा भाई साहब खूब सारी बातें हमने बातें की है, हमें ये पता लग गया है कि भैया ये जो यहाँ पे काम है सर्कुलर मोशन को अच्छे से पढ़ने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो पैरामीटर है यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर, जो कि थीटा ओमेगा एंड अल्फा है। थीटा और ओमेगा पे हमारी पीएचडी चल रही है, लगभग हो गई है, नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बात करेंगे अल्फा की, एक बार अपन अल्फा भी कर लेंगे, फिर अपन सर्कुलर मोशन में आसानी से, मतलब ये भी सर्कुलर के ही पार्ट है भाई, वही सवाल आएंगे, लेकिन फिर अपन सर्कुलर प्योर वाले से सवाल वाली बातें हैं, या जो और बहुत सारी बातें हैं वो आगे धीरे धीरे अपन करेंगे भैया, है ना। अच्छा बहुत ही खूबसूरत, और एक बात और आप समझ गए कि भैया ये सर्कुलर में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ये कहीं भी अटैच की जा सकती है, जरूरी नहीं कि बॉडी जो है हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सर्कुलर ही कर रही हो, हमने ये बातें समझ ली है। उम्मीद है कि आपके भेजे में भी इतनी ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, तभी आप जो है किसका आप खुद सवाल बना सकते हैं, एक बार समझ जाए तो आप खुद सवाल बना लें, डेटा थोड़ा सा सोच के एडजस्ट करके करें, तो सवाल बनाना कोई टफ है क्या बे, और तुम क्रीम आउट ऑफ क्रीम हो, कोई अरे गेरे बच्चे थोड़ी हो गए ऐसे उठा के आ गए, बेस्ट क्रीम को नवोदय में सिलेक्ट किया जाता है, और उसमें से भी बेस्ट जो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको अपनी ताकतों पे यानी अपनी शक्तियों पे विश्वास होना चाहिए, है ना। चलिए भाई साहब अपना और अपनी पढ़ाई का वैसे ही बहुत खूब ख्याल रखिएगा, और हेल्थ का तो रखना ही जरूरी है क्योंकि उसके बगैर कोई काम चलने वाला हमारा नहीं है। अपन चलते हैं भाई साहब लेक्चर 2 में, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।